हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रीन टी यानी कि हरी चाय की रेसिपी। इसके महत्वपूर्ण गुणों के कारण आजकल इसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर होते हैं एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैविटी के गुण, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन होता है, जो आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को खत्म करता है और एक्स्ट्रा चर्बी को भी खत्म करता है। और इसका उपयोग वेट लॉस में भी किया जाता है। पर आपको इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए ग्रीन टी को पीते वक्त, ये चीजें मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी। और आपको इसे कितना और कैसे लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ये आपको और अधिक से अधिक लाभ पहुँचाए। तो वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें ये इन्ग्रीडियंट। तो यहाँ पर मैं 2 कप ग्रीन टी आपको बनाना बताऊंगी, जिसमें 1 कप से हम टी बैग के थ्रू बनाएंगे और दूसरा कप हम बिना टी बैग का यूज करें बनाएंगे। हम इसके लिए यूज करेंगे ग्रीन टी की पत्तियां। टी बैग को निकाल लेते हैं और इसे कप में रख देते हैं और अब पानी को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें 1 कप पानी और इसे अब बॉईल कर लेते हैं। सिर्फ हमें 1 उबाल आने तक इसे बॉईल करना है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं वेट को लॉस करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसे घटाता है, अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करता है। तो ये ग्रीन टी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपको ग्रीन टी भूखे पेट नहीं लेना है, आपको इसे ब्रेकफास्ट या लंच के 1 घंटे बाद आपको लेना है। मॉर्निंग में खाली पेट आपको नहीं लेना है और ना ही इसे नाइट में कभी लेना है, क्योंकि अगर आप नाइट में अगर ग्रीन टी पीते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसे हमेशा आप खाने के 1 घंटे बाद लें तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन टी हमें अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी अगर आप ज़्यादा पियेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको ग्रीन टी सिर्फ दिन में 2 या 3 कप ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये देखिए, अभी हमारा पानी बॉयल हो गया है, इसे अब डाल देते हैं पानी को कप में। और अब आपको टी बैग को 7-8 बार इस तरीके से डिप करना है और अब इसे हम ऐसे ही टी बैग को कप में रहने देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रखना है, नहीं तो ग्रीन टी आपको कड़वी लगेगी। तो इसे अब 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, टी बैग को निकाल देते हैं और ये देखिए ग्रीन टी तैयार हो चुकी है, बहुत ही फटाफट बन जाती है। अगर आपको ग्रीन टी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं हो तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी ग्रीन टी बनाना बता देती हूँ, जिसमें हम टी बैग का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए भी हम 1 कप पानी लेते हैं और इसे भी हमें बॉइल करना है। तो ये देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच ग्रीन टी और गैस को बंद कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे अब ढक कर 2 मिनट तक रहने देते हैं। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम छान लेते हैं। ये देखिए ग्रीन टी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहे तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको शहद भी डाल के बता देती हूँ। यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच शहद डाल रही हूँ और इसे आप मिक्स कर लेते हैं, इससे इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है ग्रीन टी को बनाना। फ्रेंड्स, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे ग्रीन टी जरूर पीनी चाहिए, वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि वो शुगर को मेंटेन करके रखती है और हाई बीपी के खतरे को भी कम करा जा सकता है। और ग्रीन टी का अगर आप रोज यूज करते हैं तो ये आपके दिमाग को तेज करती है, आपकी स्मृति को बढ़ाती है, बालों को रिकवर करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है पैंथेनॉल जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है। ग्रीन टी से कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल किया जा सकता है और कैंसर के इलाज में भी
ग्रीन टी का यूज किया जाता है क्योंकि ये कैंसर के सेल को मारने में मदद करता है, उन्हें बढ़ने से रोकता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। ऐसे कई सारे ग्रीन टी के फायदे हैं। सीमित मात्रा में इसका यूज करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी होती है, पर प्रेग्नेंट वुमन को ग्रीन टी नहीं लेना है और जिसे अल्सर हो वो भी ग्रीन टी ना लें। इनके फायदों को देखकर आपको ग्रीन टी को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और लाइक कीजिए और आगे अपने ग्रुप में, फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।